अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? हाँ आशा करते हैं कि अल्लाह करम से आप अच्छे होंगे। हम भी हाँ अच्छे हैं। हम लोग और अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉक में, नई जगह पर। तो आज क्या हो रहा है? सॉरी, हम छील रहे हैं आलू। पापा, नए आलू बनाएंगे। शबाब उधर हाँ जी, क्या बना रहे हो आज? थोड़ा बना रहे हैं अंडे और आलू। तेज बोलिए। अंडे हम बना रहे हैं अंडे आलू। अभी छील रहे हैं हम आलू। अंडे उबाल लिए हैं। आलू भी उबाल लिए हैं। अंडे इनके छिप छन निकाल रहे हैं। हम तैयार कर रहे उधर हैं। है, ये अंडे हैं, आलू अंडे ये आलू आलू हैं। के छिप कर निकाल रहे हैं। थोड़ा तेज बोलिए। हम देख आप देख सकते हैं, हम आलू के छिलके निकाल रहे हैं। जो इनके कपड़े हैं, जो आलू के कपड़े हैं वो निकाल रहे हैं। ये है आलू और के आलू कपड़े। और अंडे के हमने कपड़े निकाले हैं। हम देख सकते हैं। अब इनकी अंदर की वो होती है राइस, खाना होता है वो भी निकालना है। तो गाइस हम देख सकते कुछ हैं की तेरी कुछ भी नहीं। राइस इनके कपड़े गंदे इसलिए हम उतार रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही आप ब्लॉग में बने रहें, आगे तक दिखाएंगे आपको, पूरी तरीके से दिखाएंगे ये कैसे सब्जी बनेगी अंडे आलू की, पूरा ऐसे दिखाएंगे आपको। अभी आलू छिल रहे हैं हमारे। बाल भी एक से निकले, बाल एक से निकले। देखिए गाइस, पतीला रख दिया है और ये देखिए दोस्तों, तेल डल गया है पतीले में। हम कढ़ाई में नहीं, पतीले में बनाएंगे। और ये छोटी सी हमारी किचन है, इसी के अंदर हमारे सारे डब्बे वगैरह हैं। ये देखिए, अब देख सकते हैं, यहीं पे हमने छोटा सा अपना जुगाड़ कर रखा खाना बनाने का। अब इसमें क्या करने जाओगे आप? अब क्या करोगे इसमें? तेल गरम हो जाए, इसमें फिर डालोगे अंडे। गाइस जब तेल गरम हो जाएगा, जब इसमें अंडे डालेंगे, मतलब इसमें ब्लैक अंडों को डालेंगे, भुना जाएगा। अंडे पहले लाइट को भूनेंगे, फिर अंडे को पोटैटो। भूनेंगे। हाँ हाँ जी, चलो फ्राई करेंगे इसको। दो क्या कर देगी अंदरबाजी? दे दे, उंगलबाजी कर देगी। दे देना एक प्लेट, दे देना उठा के। मुझे हाँ प्लेट दे दो, प्लेट देना ला। इस तेल की जरा बहुत तेज है दोस्तों, और क्योंकि ये तेज फॉर्चून जरा पाती है इसमें। का तेल है, बहुत तेज इसकी जरूरत होती है। हाँ डाल ये बच्चे खा रहे हैं आलू नमक के साथ में। मिर्च नहीं है यहाँ पे, ऐसे खाओ। पापा थोड़ा सा नमक डाल दो। लो लो लो, मैंने दे दिया नमक। ये ले ले, हटो हटो हटो, इसे लट जाए। अंडे डालना है। देखिए दोस्तों, इसमें अंडे अंडे का बुनाई चल रही है। ये कह रही है तेल में अंडे डालते वक्त थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कभी कभी अंडे ना तलने के फट भी जाते हैं, इसलिए थोड़ा दूरी बनाए रखें, बच्चों से तो दूरी रखें। तो बस पीछे हटो, पीछे हो जाओ पीछे। ये कब तक तलना है? बस थोड़े से लाल से हो जाए, ऐसे हो जाए, ये हो जाए।
यानी थोड़े ब्राउन इस पे आ जाएं, उसके बाद निकालते रहें। आप भी अपने बच्चों को ये चीज बता के रखते हैं, जो बचपन से ही ये चीज समझ जाए और बड़े होके कुछ हरकतें ना करें। जैसे मेरी हरकतें हो गई हैं बड़े होके, मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं बता रखा। उंगली भी काट ली उसके साथ, ककड़ी काटी थी उसके साथ में, ककड़ी कम उंगली ज्यादा कट गई। ये अंडे फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, देखिए ये सारे निकल चुके हैं बाहर। अंडे फ्राई करने हैं, अब इसमें क्या डलेगा? अब इसमें थोड़े से आलू डाल के फ्राई कर लेंगे इसे। अभी डालेंगे आलू, कोई करता है कोई कर लेते हैं, अच्छा लगता है वैसे फ्राई करने से। हर कोई नहीं चलता इन अंडों आलूओं को, और वो छोटे भी कर लेते हैं, आपने आधे आधे करके डाले हैं। ये कितनी देर तक तलेंगे? बस थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, 5-4 मिनट तक। आलू कर दिया, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया हमने, छौंकने के लिए प्याज है, हरी इलायची है। थोड़ा तेज बोलेंगे तो हमें भी थोड़ा सुनाई देगा। प्याज है, इलायची है, एक दो लौंग है, बड़ी इलायची है, ये देखिए दोस्तों आलू फ्राई हो चुके हैं। हम डाल दिया इसमें मसाला, खड़ा मसाला, जो कुछ मसाले थे जो मिक्सी में डाल के पीस लिए हैं, लहसुन अदरक प्याज सारा मसाला है। फट चुका है मसाला, भुना जाएगा जब तक इसमें इसके अंदर पानी डालेंगे, तेल और पानी दोनों भून के अलग अलग नहीं हो जाते, तब तक भुनता रहेगा ये। ग्रेवी जो बोलते हैं, पतली करना चाहो, गाढ़ी करना चाहो, जैसे चाहो उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है इसका, इसको कितना टाइम लगेगा भुनने में? ये देखिए दोस्तों रात के बज चुके हैं 9:12 और रात को हमारा खाना तैयार हो रहा है जो आपको दिखाया है अभी, और अभी खाना चल रहा है। तो दोस्तों ब्लॉग में ऐसे ही बने रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों चेक कर रहे हैं कितना भुन चुका है मसाला, थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा थोड़ा तेल हुआ है ना, अभी अच्छे से नहीं हुआ है, भुना नहीं है अच्छे से, जब अच्छे से भुन जाएगा तो बिल्कुल तेल अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा, मसाला अलग हो जाएगा। अभी अच्छे से भुना नहीं, तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखें तभी आपके समझ में आएगा कि आलू का और अंडे की सब्जी कैसे बनती है। हमारे बच्चे कह रहे हैं कि दोस्तों आप भी खा लीजिए, आलू का
अभी कितना टाइम और लगेगा? नमक डालना भूल गए थे, जो अब डाल रहे हैं चेक करके, और नमक को अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। जैसा आप खाते हो तेज या कम। देखिए तेल और मसाला अलग अलग हो गया है। अब डाल दिया आलू। वो अपनी पसंद से आप पानी डाल सकते हैं। चावल के साथ खाते हो तो थोड़ी पतली चाहिए, रोटी के साथ खाते हो तो थोड़ी गाढ़ी चाहिए। पतली ज्यादा नहीं करी है, थोड़ा साथ से रखी, मुझे रोटी से खाना है, थोड़ा कम ही रखा है। दोस्तों ये आ चुका है उबाल सब्जी में, ये पड़ रहे हैं अंडे। अब कितना टाइम लगेगा इसमें? बस बन गए, थोड़ी सी अगर ये आ जाए, थोड़े ही इसमें नमक मिर्च मिल जाए सही से मसाले में, सब्जी बन तो अच्छा कलर आया है सब्जी में। पाँच से दस मिनट और लगेंगे सब्जी के अंदर। तो दोस्तों सब्जी जो है हमारी फाइनल स्टेज पे आ चुकी है, जैसे सब्जी होगी तैयार तो आपको दिखाएंगे, और दोस्तों ब्लॉग में बने रहें। बन गया सब्जी? तो सब्जी हो चुकी है तैयार। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, आज हमने आपको बताया है अंडे आलू की सब्जी कैसे बनती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और नई जगह पर नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।